हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं एमीकोर्डियल सिरप के बारे में। दोस्तों, एमीकोर्डियल सिरप के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस सिरप के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में एमीकोर्डियल सिरप को डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, एमीकोर्डियल सिरप की बात करें तो इसको एमिल फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस एक जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि अपने प्रोडक्ट बनाने में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, क्योंकि इसके जितने भी प्रोडक्ट आते हैं सारे के सारे इथिकल होते हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट इसके मार्केट में नहीं आते हैं। दोस्तों, इसके प्राइस की बात करें तो इस समय जो इसका प्राइस है 220 रुपये में ये 200 ml की पैकेजिंग में ये एमीकोर्डियल सिरप आता है। इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है, इससे मुझे इसका प्राइस है बोधरी मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं में एक समस्या बहुत कॉमन सी हो गई है। दोस्तों, वह समस्या है महिलाओं में बांझपन। दोस्तों, बांझपन की समस्या से हमारे देश में हर एक 10 महिलाओं में से 3 से 4 महिलाएँ बांझपन की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों, महिलाओं में जो बांझपन की समस्या रहती है ये होती क्यों है? दोस्तों, महिलाओं में जो बांझपन की समस्या होने का एक मुख्य कारण है आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, ऑयली खाना खाना, तला भुंजा मसालेदार खाना खाना, जिसके चलते महिलाओं में जो बांझपन की समस्या होने का एक ये मुख्य कारण माना जाता है, जिसके चलते दोस्तों महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जो गर्भाशय है गर्भाशय से दोस्तों जो अंडा होता है वो रिलीज़ नहीं हो पाता है। वैसे भी दोस्तों महिलाओं में बांझपन होने के कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जिसके चलते महिलाएं मां नहीं बन पाती हैं, बच्चा कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों, यदि कोई महिला है बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है तो उस दौरान आप इस एमीकोर्डियल सिरप का इस्तेमाल करती हैं तो आपको बच्चा कंसीव करने में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और बच्चा कंसीव करने के लिए गायनोकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा इस एमिल सिरप को प्रिस्क्राइब भी करती हैं, और जिन महिलाओं को पीरियड से रिलेटिव कोई समस्या रहती है, जिनके मासिक धर्म इम्बैलेंस रहते हैं, तो उनको ये बैलेंस करने का काम भी करती है। कोई भी समस्या रहती है मासिक धर्म से जुड़ी किसी भी महिलाओं को, तो उस दौरान भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकती हैं। बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, तो 15-15 ml सुबह शाम बोतल को हिलाने के बाद इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इस्तेमाल करते समय आपको तली भुंजी ऑयली चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।